নিচে নিচে आखिरकार वो घड़ी आ गई जी हाँ, 22 मार्च की शाम 5 बजे जहाँ पे आज जनता कर्फ्यू लगाया था, इसके बाद ठीक 5 बजे हौसला अफजाई के लिए चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आला अधिकारी, चाहे पुलिस विभाग के जितने भी लोग ने आज जो दिन भर की मेहनत की इस जनता कर्फ्यू में, उसको हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ पे जो शाम 5 बजे का जो समय दिया गया था ताली और थाली बजाने के लिए, वो समय आ चुका है। और इस वक्त हम राजधानी पटना के पहलवान मार्केट में उस्थित है, जहाँ पे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं छत के रेलिंग पे और छत पे खड़ा होकर ताली और थाली दोनों ही बजा रहे हैं। और ये जो कोरोना वायरस पे जो इन्होंने आज दिन भर घरों में रह के जो उसका जो समर्थन किया है जनता कर्फ्यू का, उसको लेकर इन लोग काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे हैं। और काफ़ी हर एक घर के लोग छत पे और रेलिंग पे खड़े होकर ताली और थाली बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं जनता कर्फ्यू का, और कितने उत्साहित दिख रहे हैं, साथ साथ उनके परिवार भी हैं। और छोटे छोटे बच्चे देखिए कि थाली को किस तरह से बजा रहे हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो कैमरा को चारों तरफ थोड़ा सा मुआयना करवाए, आपसे आप रूबरू होवे इस वीडियो से कि किस तरह से देखिए कि लोगों में उत्साह है इस समर्थन का, किस तरह से लोग समर्थन कर रहे हैं जनता कर्फ्यू का। देख सकते हैं वहाँ पर इस तरफ आप देखना चाह रहे हो कि महिलाएँ पुरुष बच्चे सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से थाली और थाली दोनों बजा रहे हैं। आप देखिए और ये कितना सुनहरा पल है, जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था उस पर जो लोगों ने सपोर्ट किया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और साथ साथ जो जनता कर्फ्यू आज लगाया गया था उसको सफल बनाने की जो कवायद की गई थी वो बिल्कुल भी सफल हुई। साथ साथ पड़ाके भी फोड़े जा रहे हैं, बम भी फोड़े जा रहे हैं, कुछ साह देखने लोगों में मिल रहा है। कोरोना वायरस से जो इन लोगों ने ठानी थी कि आज घर में रह कर लड़ना है जिसको लेकर, और उसमें ये लोग बिल्कुल भी सफल साबित हो रहे हैं और काफ़ी खुश दिख रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और देखिए वो कितने उत्साहित दिख रहे हैं, और उन्हें ये पता भी है भी कि नहीं कि आखिर थाली वो क्यों बजा रहे हैं। तो हम उनसे चलते हैं उनके पास और जानेंगे कि आखिर जो वो थाली बजा रहे इतना उत्साहित होकर क्या कुछ वजह है। क्या कर रही हो बच्चे लोग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलो हाय, क्या कर रहे हो? हाय, हम लोग ये बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे कोरोना वायरस के लिए जो हम लोग के बहुत सारे मददगार लोग हैं, जो हम लोग के डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब डॉक्टर जो हैं हम लोग को बहुत हेल्प करेंगे, अपने जान पे खेल के ये कर रहे हैं।
तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए तो थोड़ा सा हम लोग मतलब अपनी तरफ से कर रहे हैं कि थोड़ा सा ताली मार रहे लोग कि सरकार को लगे कि हाँ थोड़ा सा पब्लिक है, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जागरूक तो जनता। कर्फ्यू के मतलब ही है कि 5 बजे गांधी जी मोदी जी जैसा बोले थे हम लोग किए इस तरह से, तो हम लोग को अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है जो मोदी जी का इन लोग समर्थन कर रहे हो। बम कभी अपने पटाखे जो फूटे उसका आवाज़ आपने सुना होगा और यहाँ पे देखिए कि कितनी तेज साउंड आ रही है, आप देख सकते हैं कि आवाज़ जो है वहाँ पे थाली की आवाज़ से पूरा जो मोहल्ला है वो यहाँ पे एकदम बज रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डमरू भी लोग बजा रहे हैं, देखिए इधर के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस पहलवान मार्केट के लोग वो कितने उत्साहित हैं, और यहाँ पे थाली और ताली के साथ साथ डमरू भी बजाते दिख रहे हैं। देखिए वहाँ पे वो डमरू बजा रहे हैं, क्या कहिएगा बाबा इधर एक सेकंड इधर आइए बाबा, काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं आप और डमरू बजा रहे हैं, ताली और थाली बजाने के लिए बोला गया था डमरू। महादेव को मना रहे हैं कोरोना को भगाने के लिए। अच्छा महादेव को मना रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं उनको, कैसे मना रहे हैं? कह रहे हैं तो सबका दुख दूर हो जाए, बीमारी वायरस मर जाए। अच्छा महादेव जी आपके डमरू की आवाज़ से इस कोरोना वायरस को भगा देंगे? भगाए नहीं भगाए, हमारा विश्वास, हम चेष्टा कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आज आपने दिन भर घर में रहा? हाँ नहीं, हाँ दिन भर रहा नहीं तो मंदिर बंद कर दिया जी। देखा कि इन्होंने मंदिर बंद कर दिया और पूरे समय आज पूरे दिन घर में रहे और मंदिर बंद करके, और देखे कितने उत्साहित है यहाँ पे लोग, लगातार महिलाएं हम बात कर ले, चाहे बच्चियों की बात कर ले, चाहे पुरुष की बात कर ले, महिलाएं पुरुष सारे लोग यहाँ पे लगातार जो है थाली और ताली दोनों बजा रहे हैं अपने छत के बालकोनी में खड़े होकर। आप देख सकते हैं लगातार, मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक जनसैलाब उमड़ा है इस जनता कर्फ्यू के समर्थन में। लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से इसे ताली और थाली को बजाकर उन्हें थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू उन्हें कह रहे हैं, डॉक्टरों को थैंक यू कह रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं जिन्होंने आज दिन भर सेवा की, लोगों का समर्थन में सपोर्ट किया, उन्होंने ड्यूटी की, इसको लेकर आज उनके समर्थन में यहाँ पे ताली और थाली दोनों बज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कि कितने उत्साहित लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ताली और थाली का जोरदार यहाँ पे बजाया जा रहा है और काफ़ी लोग उत्साहित दिख रहे हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पे खुश हैं, आप यहाँ पे आइए, हम और भी महिलाएं हैं उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कर रही हैं आप। आप 5 बजे समय दिया गया था थाली बजाने का, आप ताली बजा रही, क्या कहेंगी? बोला गया था ताली मारने के लिए 5 मतलब शाम में बोला गया था हम लोग। कौन बोला था? न्यूज़ में आया था। अच्छा न्यूज़ में आया था इन्हें 5 बजे शाम में ताली बजाने के लिए, क्या कहिएगा आप? आप काफ़ी खुश दिख रही हैं। हम क्या बोले, कोरोना वायरस को भगाने के लिए आज जो डॉक्टर लोगों ने जो इतनी मेहनत की थी, पुलिस विभाग के जो अधिकारी है उतने मेहनत की थी, उसके हौसला अफजाई के लिए आज मोदी जी ने यह कहा था कि ताली और थाली बजाइए, क्या कहेंगे आप? कुछ बोलिए इसके बारे में, क्या कहेंगे आप? कोरोना वायरस के चलते हम लोग के देश के प्रधानमंत्री बोले हैं कि शाम को 5 बजे डॉक्टर लोग के सम्मान में और पुलिस कर्मियों के सम्मान में ताली बजाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि डॉक्टर के सम्मान में और पुलिस कर्मियों के सम्मान में शाम 5 बजे ताली और थाली बजाने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के नहीं तमाम अब जगहों की बात कर ले, वहाँ पे हर लोग एक जनसैलाब उतरा है, उनके समर्थन के लिए लोग जोर जोर से ताली और थाली दोनों ही बजा रहे हैं और काफ़ी खुश दिख रहे हैं। इस जो कोरोना वायरस को भगाने की जो मुहिम छेड़ी गई थी कि आज पूरे दिन में सुबह 7 से लेकर रात 9 बजे तक घर में रहा जाए और शाम 5 बजे अपने घर के बालकोनी में आकर ताली और थाली बजा जाए, इस जो जनता कर्फ्यू लगाया गया और कोरोना वायरस से घर में रह के लड़ा जाए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सर क्या कुछ सर बोल रहे हैं सर, आप इस तरह से अनाउंस कर रहे हैं सर जिप्सी से, क्या कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, जो टाइम हुआ सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग किए, अपने परिवार एवं बच्चों को घर में रखकर सड़क पर नहीं निकले, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। सर आज आपके सम्मान में जो 5 बजे प्रधानमंत्री जी ने बोला था और काफ़ी उस पर लोग अमल किए और आपके समर्थन में और आपके सहयोग करने के लिए ताली और थाली दोनों बजाए सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, इसीलिए ना इन लोगों से धन्यवाद देते हूँ कि सभी अपने परिवार एवं बच्चों के साथ घर में रहे और सड़क पर नहीं उतरे, उन्होंने काफ़ी सहयोग सभी जनताओं ने किया, काफ़ी सहयोग दिया है, इन सभी का धन्यवाद दे रहा हूँ। बिल्कुल
बहुत गर्व की बात है कि आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने समर्थन किया है इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने का, और साथ ही साथ समर्थन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कहे गए थे कि आज पुलिसकर्मी और जितने भी डॉक्टर कर्मी हैं उनके समर्थन में आज ताली और थाली दोनों बजाना है, और बिल्कुल यहाँ के सभी लोगों ने ये काम किया। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट कोरोना वायरस को लेकर कि देख रहे हैं कि कितनी तालियां और लोग थालियां बजा रहे हैं। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट, कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना।